भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट मैच से हट गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को यह जानकारी दी। बीसीसीआई ने साथ ही प्रशंसकों और मीडिया से अपील की है कि वे स्टार क्रिकेटर के ब्रेक लेने के कारणों पर अटकलें लगाना बंद करें। 5 मैच की सीरीज हैदराबाद में 25 जनवरी से शुरू होगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बयान में कहा, विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो टेस्ट मैच से उन्हें हटाने का आग्रह किया है। बीसीसीआई ने साथ ही कहा कि कोहली ने हटने के अपने फैसले के बारे में कप्तान रोहित शर्मा और टीम प्रबंधन से भी बात की है। बीसीसीआई के अनुसार विराट ने कप्तान रोहित शर्मा, टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं से बात की है और जोर देते हुए कहा है कि देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उनकी शीर्ष प्राथमिकता है, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस में उनकी मौजूदगी की ज़रूरत है, यानी कुछ निजी स्थितियों में उनकी मौजूदगी की ज़रूरत है। बीसीसीआई जल्द ही उनके विकल्प की घोषणा करेगी। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 42.36 की औसत से 1991 टेस्ट रन बनाए हैं। वह आखिरी बार अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में खेले थे। इस सीरीज के पहले मैच में भी वह पर्सनल रीजन से नहीं खेल पाए थे। हालांकि आज वह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन वहां भी वह नहीं पहुंचे। इस बीच उनका बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। नंबर 4 पर बैटिंग करने वाले कोहली भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उनके नहीं खेलने पर भारत के पास श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को एक एक स्थान ऊपर ले जाने और केएस भारत या ध्रुव जुरेल को फ्रंटलाइन विकेट कीपिंग विकल्प के रूप में लाने का विकल्प है। टीम के बाहर रजत पाटीदार को भी टीम में लाया जा सकता है। रजत ने हाल ही में अभ्यास मैच और अहमदाबाद में 4 दिवसीय मैच में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शतक लगाए थे। दूसरी ओर मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान हमेशा इंतजार में रहे हैं और चेतेश्वर पुजारा को वापस लाने का भी विकल्प है। उन्होंने झारखंड के खिलाफ दोहरा शतक के साथ इस रणजी ट्रॉफी सीजन की शुरुआत की थी। उल्लेखनीय है कि पहला टेस्ट 25 जनवरी से हैदराबाद में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में शुरू होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ।